समय निकाल कर जरूर सुने। नंबर एक, अंगूठे के नाखूनों पर सरसों का तेल लगाने से आंखों की खुजली, लाली और जलन ठीक हो जाती है। नंबर दो, तेज बुखार के दौरान अगर हींग का सेवन किया जाए तो इससे बेहद जल्दी आराम मिलता है। नंबर तीन, खड़े होकर कभी पानी ना पिए क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से घुटने कमजोर होते हैं। नंबर चार, अगर आप सुबह कॉफी या चाय की बजाय एक सेब खाएं तो इससे आप अधिक स्वस्थ रहेंगे। नंबर पाँच, तुलसी के सेवन करने से मलेरिया नहीं होता है। नंबर छः, सुबह का नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। सुबह का नाश्ता छोड़ने से आपका शरीर और दिमाग दोनों कमजोर होते हैं। नंबर सात, मुंह से सांस लेने पर आपके जीने की उम्र घटती है, इसीलिए हमेशा नाक से सांस लें। नंबर आठ, अधिक गर्म कोई भी चीज पीने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। नंबर नौ, 100 बार हंसना किसी साइकिल पर 15 मिनट के व्यायाम करने के बराबर है। नंबर 10, रात के समय चावल भरपेट नहीं खाने चाहिए क्योंकि रात को इसे पचाना मुश्किल होता है। नंबर 11, यदि आपको सिर दर्द हो रहा है तो आप नींबू के पत्तों का रस निकाल कर सूंघे, जल्दी आराम मिल जाएगा। माइग्रेन की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। नंबर 12, सरसों के तेल में नमक मिलाकर मालिश करने से छाती में जमी हुई कफ, बलगम की गांठें निकल जाती हैं। नंबर 13, विद्यार्थियों को एग्जाम के पहले केला खाना चाहिए, इससे उनमें एनर्जी बनी रहती है और केले में मौजूद हाई पोटेशियम उनके दिमाग को तेज बनाता है जिससे लिखने में बहुत मदद मिलती है। नंबर 14, सर्दियों में अंडा जरूर खाना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है जो शरीर में होने वाली प्रोटीन की कमी को पूरा करने के साथ हड्डियां मजबूत करेगा। नंबर 15, एसी में सोने से मोटापा बढ़ता है, जितना हो सके प्राकृतिक वातावरण और मौसम के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करें। आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।